यार सुबह सुबह उठना पड़ा रहेजा सर की वजह से। क्यों, तुझे उनके घर पर दूध बेचने जाना था? तेरे घर पे चुराया दूध किसी को तो बेचना पड़ेगा। तू कितना बड़ा कमीना है यार, मैं सुबह सुबह उठ के इतनी मेहनत करके दबे पाओ पड़ोसी के दरवाजे पर लगे दूध की थैली में इंजेक्शन लगाकर दूध निकालता हूँ। छी, अपने दोस्त के घर पर चोरी करता है। ओ हेलो, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? ये सच बोल रहा है, ये सही बोल रहा है? नहीं संत, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। तुम्हें बताया था ना मैंने, जब मैं यहाँ मुंबई आई थी तो 3-4 दिन इसी के घर रुकी थी। गाइस, तुम लोग को मजाक सूझ रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मिस्टर रहेजा ने पता नहीं क्यों बुलाया हम सबको, कहीं फिर से कोई बॉम्ब तो नहीं फोड़ने वाले? अरे बैठो बैठो बैठो, यू आर राइट, बॉम्ब फोड़ना है लेकिन मुझे नहीं, आप सबको, और वो भी वैलेंटाइंस डे के दिन। अरे मिस्टर रहेजा, वैलेंटाइंस डे के दिन पे तो लोगों के दिल जुड़ते हैं, ये बॉम्ब कुछ समझ में नहीं आया। अरे मेरे शेरो, वैलेंटाइंस डे के दिन आप सबकी मेहनत का इम्तिहान है। अरे हमारे डांस कंपटीशन का ग्रैंड फिनाले है। वाओ, फाइनली गाइस, मैं कब से वेट कर रहा था। दैट्स सुपर्ब, इस बात पे तो पार्टी होनी चाहिए। क्या पार्टी है, मस्ती करने के दिन गए, अब फाइनल एग्जाम्स की तैयारी शुरू करो। और अब तक एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखकर आप लोग गाना गा रहे थे ना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे गाना बंद करो, और किसमें कितना है दम गाओ, क्योंकि आप सब में से सिर्फ एक इस कंपटीशन का विनर होगा। ओके, और हाँ, आप दोनों को सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपके कॉम्पिटिटर्स के बीच अच्छी ट्यूनिंग भी है और वो सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी है। संत और उसकी पार्टनर अच्छे डांसर भी है और एक दूसरे को काफी टाइम से जानते भी है, और शिव और मेनका का डांस तो तुम देख ही चुके हो, और आप दोनों ने तो अभी ढंग से प्रैक्टिस भी शुरू नहीं की। बट मिस्टर रहेजा, आई एम कॉन्फिडेंट। आई नहीं, वी आर कॉन्फिडेंट। करेक्ट, और सिर्फ 2 हफ्ते बचे आप लोगों के पास प्रिपरेशंस के लिए, और खैर स्टेप्स तो सेट हो भी जाएंगे, लेकिन एक चीज सेट नहीं होगी, वो है आप दोनों की केमिस्ट्री। हाँ सर, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। ध्यान देंगे नहीं, ध्यान देना शुरू करो, और वो भी आज से, अभी से। अभिमन्यु, अगर तुम्हें शिव के टक्कर में आना है तो तुम्हें भी वही केमिस्ट्री बनानी पड़ेगी जो शिव और गौरी में थी। और हाँ गौरी, तुम्हें अभिमन्यु के साथ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। या, एंड यू नो व्हाट गाइस, यहाँ पे पास में एक चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है एंड इट्स अमेजिंग, एंड गेस व्हाट, मेरे पास वहाँ के फ्री कूपन्स हैं। ये बात, ये आपके लिए। भाभी भैया ने मिलने के लिए बुलाया, खुद आना भूल गए। अच्छा है मैं ये DVDs ले आया हूँ, एटलीस्ट टाइम पास तो होगा मेरा। क्यों शिव, मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हें मेरे अलावा किसी और टाइम पास की क्या जरूरत? हाँ सही कह रही है, तेरे से अच्छा टाइम पास और क्या है मेरी जिंदगी में। वाओ शिव, ये तो बड़े अच्छे डांस स्टेप्स है ना, तुम्हें इन्हें ना अपने फिनाले के डांस परफॉर्मेंस में यूज करना चाहिए, इससे तुम्हारे ना जीतने के चांसेस और भी ज्यादा, आई मीन जीतोगे तो तुम जरूर, पर फिर भी है ना। कभी तो ढंग का रिप्लाई दिया करो, क्या हूँ तो गायब ही कर दिए। सॉरी तुलिका। मिस्टर अभिमन्यु सिंह यहाँ पे, क्या बात है? क्यों, तुम पूरा दिन यहाँ रह सकते हो तो क्या अभिमन्यु नहीं आ सकते? ओ हेलो, मेरा मतलब था इतने बिजी स्केड्यूल से सर को टाइम मिल गया यहाँ आने का। उनकी पेन ड्राइव मेरे पास रह गई थी। उनकी? हाँ। शट अप शिव। वैसे भी मिस्टर रहेजा ने कहा था कि साथ में टाइम स्पेंड करना है, तो बस एक तीर और 2 शिकार। आप बैठिए, मैं पेन ड्राइव लेकर आती। ओके। क्या भाई, क्या देखा जा रहा है? कुछ नहीं, ऐसी बस कुछ डांस स्टेप्स। लगता है मिस्टर रहेजा की बात को बहुत सीरियसली ले लिया तुमने। क्योंकि वो जो भी बोलते हैं वो सही बोलते हैं। या, बहुत ही एक्सपीरियंस भी तो हैं। वाओ, क्या स्टेप्स हैं यार। तभी तो देख रहा हूँ।
दिखाओ ना मुझे भी, प्लीज रिवाइंड करो। क्यों, तुम्हारी पेन ड्राइव में नहीं है डांस स्टेप? तुम रिवाइंड कर रहे हो या मैं तुम्हें रिवाइंड करूं? तुम रहने दो, चुरा लोगी तुम डांस स्टेप। अच्छा, तो मैं सिर्फ स्टेप्स नहीं, मैं रिमोट भी चुरा लूंगी। रिमोट चाहिए तुझे? हाँ तो ले ले। सिर्फ दो ना रिमोट प्लीज। चल ले ले। दो। लेना। लेना। आजा ले ले। चोट लग जाएगी। चोट तो लग गई। अगर इससे चोट अपने आप नहीं भी लगेगी ना तो मैं खुद इसका सर फोड़ दूंगी। देखा भैया, आपकी बहन कितना लड़ती है मुझसे। लड़ती भी हूँ और जीतती भी हूँ। इन लड़कियों को जीतने देने में ही हम मर्दों की भलाई है, समझे शिव?